समाज से चला जाओ, मैं जा रहा हूं, जाओ। मठ में हनुमान योजना नहीं कराता है, हाँ करने वाला कराता है। अंजाद बुझा चल अपना मठ में हनुमान मारना हो तो रे कैसे हो मंदिर से काम चल रे पागा दो आदमी से हनुमान योजना होता है मठ एगो प्रयास होता है एगो पीटे वाला बस वही से काम कर सुरता होता है खुश रहो बचवा ये साधन तो दंडवत होता है लेकिन साधन जगदार को दंडवत करने के लिए पागल तू बहुत ना मुझे सम्मान दे तो मैं पागल पर गधा के दादा कह रही अभी तो ना खा ला बस मोछ का मगाई थो आया करा जी बाबा हां घर घर की में गोली बाबा बाबा बचा हाँ बाबा का बसीना है ये जंगलात घना घोर ये जंगल में तू इतने सूरत लेकर इस जंगल में तू भटक रहा कहीं बाप बाप से आगे हमें तुमको मार दे तो तुमको माता पिता कैसे रहेगा हाँ दुखिया तो कहीं जा सकता है आप मानने वाले कहीं न जाता है बाबा मैं ऐसा ही मानता हुआ फिर जाऊंगी तब भी मरूंगा तो मरने से क्या जाना है इसलिए मैं जंगल में आया हूँ आपको कुटी में आते आते चले आए तो मैं एक चीज और देखा हूँ बाबा इस मठ में आप पाया नहीं है दो आदमी दो आदमी इसमें मैं देखता हूँ तीन आदमी के रे पागल तू पागल हो गया पागल नहीं मैं सच हूँ हाँ ये बताओ तीन आदमी है कि नहीं ना तीन आदमी नहीं है दुई आदमी दुई आदमी है हाँ हाँ बाबा तो आप पंद्रह के रहते हुए असली बाबा है कि नकली रे पागल साधु है नकली होता असली है हाँ हाँ जो प्रश्न पूछूं का उत्तर दीजिएगा रे प्रश्न तुम स्वयं डालेगा तो स्वयं करोगे अच्छा असली बाबा तो जरूर प्रश्न को उत्तर देगा बाबा यही मैं पूछना चाहता हूँ मठ में आप रहते हुए कुटिया खाते हैं कि झूठ ये तुम पागल हो गया है तुम पागल हो गया है बाबा को मजाक ना दिलवाया इसको मंत्र मतलब बताओ आप जानते हैं हमें बतलाइए आपको कहे हैं जो प्रश्न पूछेगा वो उत्तर देंगे एक प्रश्न हमारे से चलने वाला नहीं है चलकर बताओ नहीं चलता है बाबा मठ जहाँ भी है मठ में 10 बीघा 5 बीघा जमीन है बाबा के मठ में गली से भोजन चल जाता है उसको कहते हैं कुटिया खाते हैं अब कहीं मौत है बाबा को खाने के लिए साधन नहीं है गांव में जाकर या भीख भूख मांग कर लाते हैं
तो वो अपना जीवन को पाल कर उसको कहते प्रश्न का उत्तर देता, आप तो नकली बाबा है, धोनी बाबा है, धोन रच के रखे है, जिसमें से कि विष्णु भगवान एक बारी मछली अवतार में गए थे। जब ने मछली अवतार में गए तो सब मछलियां खुश हो गया, कहने लगा कि भगवान मछली अवतार में है तो हम लोग तर जाएंगे। तो विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु आप हमारे धोनी में आए हैं तो हम लोग तर जाएंगे, तो कहा हाँ तुम लोग तर जाएगा, तो कहा कैसे तरेंगे, तो कहा कि पागल जब तुम्हारे धोनी में मैं आया हूँ तो कलयुग के लोग तुम्हारे खाएगा, इसीलिए तुम तर जाएगा। सब मछलियां सुनकर खुश हो गया, अपने अपने घर जा रहे थे, लेकिन एक चेंगा मछली वहां नहीं गए थे, बिली में थे। वह बिली से निकल कर देखा कि हमारे जात भाई जा रहा है, कहा रे भाई एक बात सुनो, तुम तो विष्णु भगवान के पास गए हैं, तो कहा हाँ, तो जब विष्णु भगवान के पास गया है तो कुछ बतलाया है कि नहीं, तो सब मछलियां कहने लगा रे भाई विष्णु भगवान कहा है कि तुम्हारे कलयुग के लोग खाएगा तो तर जाएगा, कहा रे पागला, अरे कलयुग के लोग खाएगा तो कैसे तरेंगे, अरे कोई पापी खाएगा और कोई धर्मी खाएगा, जब दोनों खाएगा तो हम लोग कैसे तरेंगे, चलो फरिया के पूछेंगे कि कौन खाएगा। चेंगा मछलियां सब मछली को लेकर आए, अब पूछ पड़ा कि प्रभु कलयुग के लोग खाएगा तो हम लोग तरेंगे, तो पापियों खाएगा धर्मियों खाएगा तो कैसे तरेंगे। उसी समय मछली रूप में भगवान था, सब मछलियां के कहने लगा कि सुनो, जितना इस युग में पापी जो है तो अगले जन्म में सब फटाफट पंथी बांध लेगा, और जितना धार्मिक होगा तो तुम लोगों का खाएगा तो तुम तर जाएगा। तो जितना पापी है से कंठी बांध के अभी दलाली करता है, मठ में महंत बन के नेतृत्व करता है, वो हने साधु साथी को बुलाता हूँ, मोबाइल से ना काम चलता नहीं, जो भी कुछ करता है मेरे साथी उधर करता है। बाबा भोगी बाबा है, असली बाबा नहीं है, इसलिए बाबा को थोड़ा दवाई दीजिए ताकि बाबा रास्ता दिखलाएगा। सवेरे दर्द होने लगे तो 5 रुपया में तू को गोटी डॉक्टर साहब चले है, आराम हो गए लगे के वो पर अब बुझाए तो फिर का तो गोटी खाए तो हो तो ए दंडोत महाराज जी सवेरे दर्द तो मेरे
कौन आशीर्वाद साधु सब कह दी जय हो खुशी रहो। साधु के बाणी सुन मालूम नहीं है ना उतना हम जानकार करते ना जी ना कितना दिन से सदवल करता है मछली के महंगाई लग ले तो ये से ए ये सारा ठठेरी ना है ए ठीक बात है। हाँ संत किसका कहता है तो हाँ संत संत कैसा होता है एक मिनट तक बाबा से पूछ लीजिए जानकारी नहीं होते हम आपके नया नया भेल छी बाबा अभी उतना हम जानकारी लगे न छी। अच्छा नजर हो चाहे पुराना उससे बहुत नहीं है जलदपुर पचकर्मा में गया है कभी की नहीं ना ऐसा सपना नहीं जाएगा फुर्सत न भले मौत से साधु का काम है भगवान को राम को चारण करने का लिए कि नंबर बांटने का लिए नंबर नंबर कहाँ कहीं बता ना इधर दूसरे नंबर है तेरे नंबर उनका है इधर तो आप दो दरा पर दो दरा देखें शिवचंद्र लावा हो ये फ्रेंड फेमस हो गया है जब साधु नंबर नहीं बढ़ता तो मनुष्य का इतना कष्ट कारण कौन है जो होता है उतना जानकारी हमें ना पावा सब पूछेंगे पावा ने जालत बचा उर्दे जब बकरी बना के छोड़ देंगे ना हो घेट में रसा लगा कर तो चार टूरा घुमाएगा फिर भी काशी बो का बहुत मिलता है ना महाराज इससे सब ना करा होगा मना तू फेरा छोड़ा हम
लागल होता है साथी छोड़।